नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। कोशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पिपरी थाना क्षेत्र के दुर्गापुरी स्थित नाहर के पास धान के खेत में एक लड़की मरणासन अवस्था में पाई गई। उसका इलाज विकास ट्रॉमा सेंटर करण चौराहा सराय अंकित में चल रहा है। जब यूएफटी लाइव टीवी के संवाददाता जांच पड़ताल करने हॉस्पिटल पहुंचे तो लड़की के द्वारा बताया गया कि उसके साथ अप्रिय घटना हुई और उसको चाकू से उसके सर पर वार भी किया गया। पीड़िता पक्ष का कहना है कि पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं। जहां पर 376 का केस लगना चाहिए पर पुलिस 307 लगाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। पीड़िता का कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। क्या मामला है आपका? मेरे साथ गया तो मुझे फोन लगा, बुलाया था। कौन बुलाया था? फोन लगा अरविंद। कहाँ का रहने वाला है? तिलकपुर का रहने वाला। मेरे घर के बाजू में आया था, लेके आया था तो मुझे बोला कि कितना सब कुछ लेके, मैंने दे दिए तो उसके बाद गले में मुझे मारा था। मेरे से गला संबंध भी किया, मेरे से पूछा पैसा कुछ, मैंने बोला हाँ मेरे पास पैसा भी सब कुछ ले लिया। कितना पैसा था मेरे पास? 20,000 था मेरे मम्मी लोगों का था। आपको कैसे छोड़ के गया वो? मुझे बेहोशी हालत में छोड़ के मारी। आपको मारा भी है क्या वो? मुझे बहुत मारा है, तब तो सब कटा हुआ है। आपको चाकू से भी वार किया है क्या? ये सब चाकू से मार किया। क्या मामला है आपके ऊपर? क्या घटना घटित हुई है? मेरी मम्मी गले, मेरी दीदी गले, मेरी चाची गले, पूरा हाथ पैर सब कुछ लेके गया। कौन लेके गया? अरविंद तिलकपुर का। अच्छा, तो आपके साथ क्या गंदी हरकत भी किया क्या? मेरे साथ गंदी हरकत भी किया। और मैंने मना किया था तो उसके मुझे मारने के लिए धमकी दिया था, अब तक चाकू मार लिया था। तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी तक हुई कि नहीं? भी मैं सच कुछ नहीं, मुझे छोड़ भाग गया था। भाई अरविंद के अलावा कोई थे? हाँ, दो लोग और थे, बाकी बाहर खड़े बाकी सब कुछ किया। आप जानती हैं वो दो लोग को? मैं उससे जानती, बाकी अरविंद को अच्छे तरह जानती हूँ। आपके साथ गलत संबंध भी बनाया गया क्या? हाँ। 1 बजे की घटना है, रात में 9 बजे रात में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।